नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर। तो चले चलते हैं ताज़ा खबरों की ओर। फिल्म मिशन ओवर की शूटिंग होगी अलीगढ़ में। ताला और तालीम के नाम से मशहूर अलीगढ़ अब फिल्म सिटी के नाम से भी मशहूर होने जा रहा है। अब अलीगढ़ में भी जल्द ही बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग हुआ करेगी। अलीगढ़ सीने व टीवी जगत में हॉलीवुड के रूप में पहचान बना रही है। अलीगढ़ में फीचर फिल्म मिशन ओवर की शूटिंग होने जा रही है, जिसमें बड़े पर्दे के चिर परिचित कलाकार अली खान, संजीव शर्मा, सुजैल खान सहित अन्य कलाकार काम कर रहे हैं। गांधी पार्क चौराहे स्थित सिटी क्लब में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए फिल्म प्रोड्यूसर भूपेंद्र सिंह वैक्सी क्यूटी प्रोड्यूसर पंकज धीरज ने बताया कि सुसेन फिल्म इंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाई जा रही बड़े पर्दे की फिल्म मिशन ओवर की शूटिंग आगामी 21 अगस्त से हॉलीवुड अलीगढ़ में शुरू होगी, जिसमें सीने जगत के चीर परिचित अभिनेता अली खान, संजीव शर्मा, सुजैल खान, भूपेंद्र सिंह, रवि परिहार, शिवम राजपूत, अभिनेत्री आर्शिया खान, सनम खान आदि अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। फिल्म में को प्रोड्यूसर व डायरेक्टर शिवम राजपूत, गीतकार अवनीश राही, कॉन्सेप्ट संजय कुमार एडवोकेट, डीओपी व एडिटर प्रभात ओझा, फोटोग्राफी सुशील पंडित, मेकअप मैन विनय गौतम आदि हैं। फिल्म की शूटिंग अलीगढ़ के चुनिंदा स्थानों पर की जाएगी। फिल्म की कहानी सस्पेंस, थ्रिल, मर्डर, मिस्ट्री व रोमांस पर आधारित है। फिल्म निर्माता टीम इससे पहले भी फीचर फिल्म देसी रेसलर, जन्म जन्म का बंधन, मुंबई टू आगरा आदि का निर्माण कर चुकी है। फिल्म में मुंबई के अलावा यूपी के कलाकार काम कर रहे हैं। प्रेस वार्ता में जितेंद्र पाल सिंह, राजकुमार राहुल बालाजी, अक्षत कुमार, अक्षत गुप्ता आदि उपस्थित रहे। देखिए, अलीगढ़ को जैसे ताले और तहजीब की नगरी के नाम से जाना जाता है, तो पिछले 2014 से हम लोग इस क्षेत्र में प्रयासरत है कि सिने और टीवी जगत के परिदृश्य में भी अलीगढ़ को पहचान मिले, जिसके लिए इसका नाम हॉलीवुड हमने रखा, हॉलीवुड का नाम दिया और हॉलीवुड फिल्म फेडरेशन भी बनाई। और उस हॉलीवुड फिल्म फेडरेशन के अंतर्गत जो सिने टीवी जगत के जुड़े हुए कलाकार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, इस तरह की जितने भी प्रतिमाएं, उन सबको जोड़कर हमने ये प्रयास किया। इसी प्रयास का सफल प्रतिभूति है कि विगत 2017 में एक फिल्म हम लोगों के द्वारा बनाई गई, सुसेन फिल्म एंटरटेनमेंट के द्वारा, देसी रेसलर द पावर ऑफ वुल, जो रिलीज हुई वर्ल्ड वाइड लेवल पर और इंडिया के 175 सिनेमाघरों में वो फिल्म रिलीज हुई, जिसमें अलीगढ़ के स्टार वर्ल्ड सिनेमा पर कई दिन रिलीज, लोगों को बहुत पसंद आई। उसके बाद हम लोगों ने भी और फिल्में बनाई, जन्म जन्म का बंधन और एक पोस्ट प्रोडक्शन में अभी मुंबई टू आगरा, जो भी अभी दिसंबर से पहले रिलीज हो जाएगी फिल्म। इसी के साथ हम लोग एक फिल्म अभी जो बनाने जा रहे हैं, अभी 21 अगस्त को इसकी फिल्म की यहाँ शूट शुरू हो जाएगी। उस फिल्म का नाम है मिशन ओवर। ये फिल्म थ्रिल, सस्पेंस और हॉरर, जैसे कहना चाहिए कि उससे जुड़ी हुई है, कुछ दोस्तों की कहानी है इसमें जुड़ी हुई है। तो हमारा कहना यह है कि हम लोगों ने प्रयास किया, प्रयास सच्चे हृदय से, सच्चे मन से किया, हम सफल हो रहे हैं क्षेत्र में और आप सभी लोगों के सहयोग से। और साथ में हम लोगों का एक मानना हो रहा है कि आज जो अलीगढ़ को हम लोगों ने हॉलीवुड के रूप में जो सभी साथियों ने मिलकर यह पहचान दी है, उस पहचान के रूप में यहाँ की प्रतिमा हमने देखा कि यहाँ की प्रतिमाएं बहुत लोग भाग जाके विसर्जित हुआ करती थी, वो किसी गलत हाथों में पड़ जाती थी और पता चली कि लाखों रुपए उनके बर्बाद हो गए और फिर भी कोई कार्य मिला नहीं उनको, ना कार्य मिलने की वजह से लौट फिर के वो खेत खलिहान, घर परिवार, व्यापार, दुकान में फिर आगे बढ़ रच गए कि सब फिल्म नगरी बेकार है। ऐसा नहीं है, यहाँ अलीगढ़ ने, हमारे अलीगढ़ ने ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा टीवी जगत में भारत भूषण जी, जो सुपरस्टार के रूप में जाने जाते थे, उनकी कई सारी फिल्म अलीगढ़ के ही थे वो, उन्होंने यहाँ फिल्म में काम करा। फिल्म निर्माता हमारे शिव कुमार शर्मा जी, जिन्होंने लल्लू राम और कई सारी पिक्चरों का निर्माण किया। अलीगढ़ से ही हमारी प्रतिभा निकली, श्री रविंद्र जैन जी, जो पद्मश्री रविंद्र जैन जी, जिन्होंने कौन नहीं जानता उनको विश्वभर में। इसी तरह से पद्म भूषण हमारे गोपालदास नीरज जी, जिनकी यहाँ कर्मस्थली थी, उनके गीतों को आज कौन कौन सी फिल्मों में आप अभी भी सुनते हैं, तो हम लोगों का। और साथ में एक और चंद्रचूर सिंह, जो अभी कुछ दिन पूर्व भी अलीगढ़ आए थे, तो उनसे भी बात हुई थी, वो फिल्म माचिस के अलावा कई सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया। तो ऐसा नहीं, प्रतिभाओं की कमी नहीं है यहाँ पे। तो हम लोगों का मानना यह है कि कभी भी अगर कोई यहाँ नवोदित प्रतिभाएँ हैं, तो वो प्रतिभाएँ गलत हाथों में ना जाए, उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया। और अगर वो सही क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो हम लोग, पंकज जी आप लोगों को अवगत करा ही चुके हैं फिल्म के बारे में, मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि इस फिल्म के माध्यम से हम यहाँ के जो लोकल कलाकार हैं उनको मुंबई से कनेक्ट करना चाहते हैं, मुंबई के कलाकारों के साथ उनका तालमेल बैठाना चाहते हैं कि वो भी उनको साथ काम करें और वो अपने आप को उनसे कंपेयर करें, ताकि उनको भी एक आगे काम वर्क करने के लिए
किस तरीके से उन्हें अपने आप को ट्रेंड करना है, किस तरीके से उनको कितनी मेहनत करनी है ताकि वो उनके लेवल तक जा सके। तो यही हमारा प्रयास है और इसमें बॉलीवुड एक्टर अली खान जी, जिन्होंने खुदा गवाह जैसी फिल्म में बच्चन जी के साथ काम किया है, तो वो इसमें कमिश्नर का रोल कर रहे हैं। सुजील खान जो कि लगभग 700 क्राइम के एपिसोड कर चुके हैं टीवी सीरियल्स, कई सारी फिल्म, साउथ की नासीरान हिट फिल्म उसमें उनका एक ज़बरदस्त करेक्टर रहा है, वो भी इस फिल्म में काम कर रहे हैं। और संजीव शर्मा जी जो कि रेस 3 में उन्होंने काम किया है और बहुत सारी वेब सीरीज़ में काम कर चुके हैं, वो भी इस फिल्म में काम कर रहे हैं। बाद बाकी के हमारे सोम राजपूत जी हैं, एक ये सेकंड लीड करेक्टर, मतलब दो हीरो की कहानी है तो उसमें सेकंड हीरो का रोल सोम राजपूत कर रहे हैं, कहानी भी सोम राजपूत जी ने लिखी है। और बाकी के हमारे अवनीश राही जी हैं, जो फिल्म के सॉन्ग्स जितने भी हैं वो सब अवनीश राही जी लिख रहे हैं, कुछ गीत उन्होंने लिख दिए हैं और काम चल रहा है काफ़ी अच्छे से। 21 तारीख से फिल्म की शूटिंग आपके शहर अलीगढ़ में की जाएगी।